आज बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखकर ठोकर तो खाएंगे ही, मगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ठोकर लगती है, लग जाने दो। जो परमेश्वर का वचन है मैं आज आपसे बता के रहूंगा। वीडियो बहुत ही दमदार है, आपका जीवन सुधर जाएगा इस वीडियो के द्वारा। आज के इस समय में हमारे मसीह नौजवान मसीह भाई बहन व्यभिचार में लगे हुए हैं, पाप करने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में लगे हुए हैं। ये सब करने में उनको बहुत मज़ा आता है। रात भर लड़कियों से फोन में बात करते हैं, वही मसीह जिसके लिए परमेश्वर ने अपना कीमती रक्त बहाया है, परमेश्वर के लहू की आज जरा भी कदर नहीं करते हैं। गंदे वीडियो देखते हैं, सेक्स वीडियो देखते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाते रहते हैं। आज मस्जिद लगातार बिगड़ती चली जा रही है। याद रखना, सारी गर्मी उस अनंत काल की आग में निकल जाएगी। याद रखना, अभी तो बड़ा मज़ा आ रहा है लड़कियों से बात करने में। अगर आप ऐसे काम करते हो तो याद रखना, परमेश्वर के सामने आपको, परमेश्वर के आगे न्याय सिंहासन के दिन आपको लेखा देना होगा। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक मस्ती अपनी जगह, जो होगा और जो होने वाला है वही मैं आपसे बता रहा हूँ। आज के इस समय में बहुत सारे लोग, सेवक भी, पास्टर लोग भी वही घिनौना काम करने में लगे हुए हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सेक्स वीडियो में उनको आज बड़ा मजा आ रहा है, आज उनको जरा भी शर्म नहीं आती है। ऐसे ऐसे काम करने वाले लोग शायद ये भूल चुके हैं, अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ होगा तो हमें हमेशा के लिए नरक में जाना पड़ जाएगा। ऐसे लोगों को आज जरा भी डर नहीं लगता है, बड़े मजे से पाप करने में लगे हुए हैं, बेविचार करने में लगे हुए हैं, बड़े मजे से। आज के इस समय में ऐसे बहुत सारे लोग चर्च जाते हैं, लड़कियों की ताक झाक में लगे रहते हैं, उनको बड़ा मजा आता है ये सब करने में शायद, मगर वे लोग भूल गए हैं। अगर अचानक किसी दिन मर गए तो अचानक ही आपको नरक में जाना पड़ सकता है, कि आपको पता है नरक में एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा। मगर आज लोग यीशु मसीह का मजाक बनाकर बैठ चुके हैं। ये मजाक उस समय न्याय के दिन बहुत महंगा पड़ जाएगा उस समय उन लोगों को। परमेश्वर हमेशा हमेशा के लिए नरक में डालेगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ का धुआं युगान उठता रहता है। अभी समय है, सुधर जाओ और बचा लो अपने आप को नरक जाने से। वहाँ एक या दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, भैया क्यों नहीं समझा रहा है, हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा, जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े नहीं मरते हैं, जहाँ पर धनवान अभी भी प्राय मौजूद है, वहाँ पर आपको डाला जाएगा। एक बूंद प्यास के कारण आपकी जी बैठेगी, इतना हाहाकार मचा होगा उस समय उस नरक की आग में। समय कम है, दिन बुरे हैं, बचा लो अपने आप को नरक जाने से। जो परमेश्वर ने समय दिया, अवसर दिया, समय का पूरा पूरा इस्तेमाल करो, पूरा पूरा समय परमेश्वर को दीजिए। जो परमेश्वर ने आपको समय दिया, इस समय का गलत फायदा मत उठाओ, क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, महाप्रतापी परमेश्वर है, जो पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। आज मनुष्य ने जीवन को नहीं मरण ही को चुना है, पाप करके व्यभिचार करके मौत को ही चुना है। प्रकाशित वाक्य की सत्या के 8 वचन में लिखा हुआ है, डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्तिपुंजकों और उन सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है, या दूसरी मृत्यु है। आंख खोलकर इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, मजाक मस्ती अपनी जगह। ऐसे ऐसे अगर आप काम करते हो, आपके जीवन में ऐसे ऐसे काम है, तो ये गलती अपने दिल और दिमाग से निकाल देना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा। नो, आप स्वर्ग नहीं जाओगे, परमेश्वर आपको हमेशा के लिए नरक में डाल देगा। इसलिए समय है, पश्चाताप करो, मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौटाओ। कब तक पाप करते रहोगे? क्या अंत नहीं? कभी तो अंत होगा इन सब पापों का। अभी समय है, अभी जिंदा हो,
जीते जी अपने पापों से मन फिरा लो, परमेश्वर के पास लौट आओ, परमेश्वर आपको माफ कर देगा। जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू, गुड लक।